नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी बॉन्ड में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारतेंदु युग टेस्ट सीरीज 2। इसमें वही प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं या परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा ऑप्शन है शुक्ल जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दूसरा प्रश्न है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? पहला ऑप्शन रानी केतकी की कहानी, दूसरा परीक्षा गुरु, तीसरा 100 अजान एक सुजान, चौथा चंद्रकांता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु यह लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। तीसरा प्रश्न, कौन सा निबंधकार भारतेंदु युग का नहीं है? पहला ऑप्शन बाल कृष्ण भट्ट, दूसरा बाल मुकुंद गुप्त, तीसरा प्रताप नारायण मिश्र, चौथा श्रीनिवास दास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बाल मुकुंद गुप्त नहीं है। भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, जगमोहन सिंह आदि, ये सब भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। आइए देखते हैं हम चौथा प्रश्न। फोर्ट विलियम कॉलेज से किस रचना का रचनाकार संबंध नहीं था? तो पहला ऑप्शन प्रेम सागर, दूसरा लाल चंद्रिका, तीसरा रानी केतकी की कहानी, चौथा नासिकेतु उपाख्यान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी सदरलाल मिश्र जी की है और इसमें प्रेम सागर लल्लू लाल जी की है, लल्लू लाल। पांचवा प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद को भारतेंदु उपाधि कब प्रदान की गई? तो पहला ऑप्शन 1878, दूसरा ऑप्शन 1880 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन 1889 ईस्वी, चौथा 1882 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, 1880 ईस्वी। लोकप्रियता से प्रभावित होकर काशी के विद्वानों ने भारतेंदु उपाधि प्रदान की। छठा प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता की? पहला ऑप्शन ब्रज भाषा, दूसरा उर्दू भाषा, तीसरा अवधी भाषा, चौथा खड़ी बोली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, ब्रज भाषा। सातवां प्रश्न है, रीतकाल के कौन से प्रसिद्ध कवि भारतेंदु के पिता थे? पहला ऑप्शन बेनी प्रवीण, दूसरा केशव, तीसरा गिरधर कविराय, चौथा गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए आप लोग, गोपाल चंद्र गिरधर दास। आठवां प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया? पहला ऑप्शन विद्या सुंदर, दूसरा भारत दुर्दशा, तीसरा कालचक्र, चौथा नील देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा ऑप्शन, कालचक्र। नौ प्रश्न है, शेक्सपियर के सभी नाटकों का हिंदी अनुवाद किसने किया? पहला ऑप्शन मोहन राकेश, दूसरा लाला सीताराम, तीसरा विद्यानिवास मिश्र, चौथा जगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, लाला सीताराम। दसवां प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इहां अति ख्वारी, यह पंक्ति किसकी है? पहला ऑप्शन भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा प्रताप नारायण मिश्र, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ग्यारहवां प्रश्न है, भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है? पहला राष्ट्रीयता, दूसरा सामाजिक चेतना, तीसरा
श्रृंगारिता, चौथा रीत निरूपण। तो इसकी विशेषता नहीं है भारतीय युग की। सही आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों चौथा, रीत निरूपण। 12वां प्रश्न है, भारतीय युग में ऐसी विधि जो केवल इसी युग में मिलती है। पहला ऑप्शन प्राकृतिक चित्रण, दूसरा राष्ट्रीयता, तीसरा समस्या पूर्ति, चौथा हास्य व्यंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों समस्या पूर्ति। 13वां, त्रिलोचन का वास्तविक नाम। पहला ऑप्शन वासुदेव सिंह, दूसरा वासुदेव नंदन सिंह, तीसरा त्र्यंबकम सिंह, चौथा इनमें से कोई नहीं। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला, वासुदेव सिंह। 14वां प्रश्न है, किसने काव्य जीवन की शुरुआत समस्या पूर्ति से की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला प्रेमघन, दूसरा भारतेंदु, तीसरा अंबिका दत्त व्यास, चौथा राधाचरण गोस्वामी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा, अंबिका दत्त व्यास। 15वां क्वेश्चन, किसे आग व राग का कवि कहा गया है? पहला ऑप्शन निराला, दूसरा दिनकर, तीसरा नागार्जुन, चौथा हरिओम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, दिनकर को आग और राग का कवि कहा गया है। 16वां प्रश्न है, भारतेंदु ने लिखा। पहला ऑप्शन उर्दू मारी गई, दूसरा बुढ़ापा, तीसरा कृत्यताम, चौथा रसखान शतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उर्दू मारी गई। 17वां प्रश्न है, भाषा के जादूगर कहे गए। पहला ऑप्शन प्रेमचंद, दूसरा शिवपूजन सहाय, तीसरा रामवृक्ष बेनीपुरी, चौथा निराला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा ऑप्शन, शिवपूजन सहाय। 18वां प्रश्न है, वियोग हरि का वास्तविक नाम है। पहला हरिशंकर द्विवेदी, दूसरा हरिधर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा हरिप्रसाद द्विवेदी, चौथा हरिनाथ द्विवेदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, हरिधर प्रसाद द्विवेदी, वियोग हरि का वास्तविक नाम था। 19वां प्रश्न, धरती का कवि किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन अगेन, दूसरा नागार्जुन, तीसरा त्रिलोचन, चौथा शमशेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों धरती का कवि त्रिलोचन को कहा जाता है। 20वां और लास्ट प्रश्न, किसे हिंदी का प्रहरी कहा गया है? पहला निराला, दूसरा दिनकर, तीसरा प्रेमचंद, चौथा राशि टंडन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी का प्रहरी राशि टंडन को कहा जाता है। आपका इस वीडियो पर कोई सुझाव सजेशन हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। हिंदी बॉन्ड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।